नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, अक्सर सबके दो नाम होते हैं, एक पुकारने का नाम होता है और एक राशि का नाम होता है। किसी किसी के तो तीन नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम भी होता है। लेकिन जब राशिफल देखने की बात आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि किस नाम से दैनिक राशिफल देखें। तो दोस्तों, आज इस विषय पे ही हम बात करने वाले हैं। जन्म राशि या नाम राशि किसका ज्यादा महत्व है? ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोग अक्सर इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि अपने जीवन के बारे में जानने के लिए जन्म राशि देखें या नाम राशि देखें। ज्योतिष शास्त्र में लोगों की समस्या का समाधान दिया गया है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली भी तैयार कर दी जाती है और फिर उसी कुंडली के अनुसार ज्योतिष सलाह से बच्चे का नाम रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग जन्म कुंडली के नाम से अपने बच्चे का नाम रखना अच्छा नहीं मानते हैं, जिस कारण लगभग हर व्यक्ति की दो राशियां हो जाती हैं। एक वो जो उसके जन्म से जुड़ी है और दूसरी वह जो उसके बुलाने के नाम के अनुसार से होती है। आज हम वही जानेंगे कि दोनों राशियों के बीच में अंतर क्या है और दोनों का महत्व क्या है। शास्त्र में एक श्लोक है, विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मसु जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशि वचिन्तयेत्। ज्योतिष शास्त्र के इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या आरंभ करते समय, विवाह के समय, यज्ञोपवीत आदि संस्कार में जन्म राशि को देखा जाता है, जबकि दैनिक राशिफल देखने के लिए आप नाम राशि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि दोनों राशियों में क्या अंतर होता है। जन्म के समय जिस बच्चे का जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके अनुसार रखे जाने वाले नाम से जो राशि बनती है उसे जन्म राशि कहा जाता है। और जो नाम अपनी इच्छा से बुलाने के लिए रखा जाता है उस नाम के पहले अक्षर से जो राशि बनती है उसे नाम राशि कहा जाता है। दोनों ही राशियों का ज्योतिष की दृष्टि से अलग अलग कार्यों में महत्व होता है। जैसे जन्म राशि का प्रयोग विवाह में, संपूर्ण मांगलिक कार्य में, यात्रा और ग्रहों की युक्ति आदि कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि नाम राशि का प्रयोग जहाँ पर आप रहते हैं अपने नाम के कारण प्रचलित होते हैं, जैसे देश, ग्राम, युद्ध, नौकरी और व्यापार इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इन सभी कामों में जन्म राशि की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर जन्म राशि की जानकारी नहीं हो, सिर्फ उसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि का सभी कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।